माया तुम्हारे पति प्रशांत भाटे ने कभी घर छोड़ा ही नहीं था, है ना? वैसे कादरस के जंगलों में हम उस लाश की तलाश कर रहे हैं, भूतों से डर लगता है ना तुम्हें? हमें भी लगा तुम्हारे घर में अजीब, वैसे लगा जैसे कोई भटकती आत्मा हो, नाराज सी। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है माया। पुरुषोत्तम ने सब कुछ बोल दिया, विनोद जोशी को अरेस्ट कर लिया, और हमें यह भी पता चल गया कि तुम्हारा बेटा जगदीश उस कत्ल का गवाह है, उसको भी उठा लिया। साहब, जगदीश उस टाइम बच्चा था, उसने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दो साहब। तुमने और विनोद जोशी ने मिलकर मारा ना प्रशांत भाटे को? नहीं साहब। ठीक है, पुरुषोत्तम और विनोद जोशी के साथ अब हम जगदीश को भी तोड़ेंगे। साहब मैं सच बोल रही है कि तुमने और विनोद जोशी ने मिलकर प्रशांत भाटे को मारा? नहीं, सच चाहिए मुझे माया, सिर्फ सच। वो प्रशांत नहीं था, वो मेरा एक ग्राहक था, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम। देख विनोद जोशी, माया एक औरत है, इसलिए अभी तक हमने सख्ती दिखाई नहीं उसके साथ, लेकिन तेरा नसीब ऐसा नहीं होगा, समझे? मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच बता रहा हूं मैं। ये जो भी कुनबुन जो भी हुआ है आप बता रहे, वो सब पूरा का पूरा माया ने किया। अच्छा, प्रॉफिट आधा आधा करेगा लेकिन जुर्म पूरा का पूरा उसके सर पे डालेगा? नहीं, मैं सही बता रहा हूँ सब, मैं उस आदमी को जानता तक नहीं था, उसको मारूंगा क्यों? पुरुषोत्तम ने बताया कि तू भी उनके साथ था, तूने देखा था वो खून होते भी देखा था, कौन था वो आदमी? प्रशांत भाटे, तेरा बाप? नाम नहीं मालूम, लेकिन वो चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकता। मैडम बता रही थी कि कोई सचिन पाठक है जो अपने बाप को ढूंढ रहा है। उसके बारे में क्यों पूछ रहा था? जिसको मारा गया था वो वही था। मेरे को लगता है ये मर गया। वो आदमी सचिन का बाप नीलेश पाठक था? नाम नहीं मालूम। तो तुझे कैसे पता वो सचिन का बाप था? सचिन के हाथ में उसके बाप की तस्वीर देखी थी, वही चेहरा जो रोज रात को मैं ना चाहते हुए भी देखता हूं, मेरी आई भी देखती होगी। इस पैसों के लालच ने पहले मेरे को मारा, मेरे हाथों उस ग्राहक को मरवाया। ओहो, क्या बात है बाबू, बैंक वैंक लूट कर आए हो क्या? अरे तो फिर तो बोनस वोनस बनता है ना, इतने टाइम से लुटा रही है तेरे पे, 5,000 तो निकाल उस बंडल से। 2,000 भी तेरे औकात के हिसाब से बहुत है। ए, औकात की बात करता है, औकात अब तो मैं 5,000 ही लेगी। आसमान में बादल नहीं छाते साहब, मेरे सामने नोटों के बादल छाते थे। उसके पास इतना सारा पैसा था साहब, और ऊपर से ऐसी बात, मैं उसको कैसे छोड़ देती साहब? लेकर घूम रहा था साला, जरा से पैसे ज्यादा क्या मांग लिए, औकात दिखाने लगा।
रहा नहीं है, सांस चल रही। अस्पताल लेके चलते। चुप, वो बच गया तो हम लोग बचेंगे, पर उन्हें बचा सकते। चुप, योगेश बारी खेल रहा है, मैंने देखा उसे, कभी भी आ सकते हो। अभी छुपाते हैं, रात को ठिकाने लगाएंगे। चले जगह, ये जगह क्या संभाल अपने को। देख, तुझे तेरी आई की मदद करनी है, समझ लगा है? ये खून साफ करना है, समझ लेना, आई की मदद करे इसे। योगेश घर आया उस दिन, उसे कुछ मालूम नहीं था। फिर रात को पुरुषोत्तम आया, वो लोग लाश को जंगल में ले गए। योगेश तब सो रहा था। बहुत पछतावा होता है साहब, धन गिन सब आती है, लेकिन समझ नहीं आता साहब कि वो नोटों को देख के क्या धुन सवार हो जाती है। सर, ये था वो आदमी जिसको इन्होंने मार डाला। नीलेश पाठक है सचिन का बाबा? हाँ सर, जगदीश को याद था ये चेहरा। ये था ना वो? सचिन, तुम्हारे बाबा नीलेश पाठक अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था उनके साथ? कत्ल हुआ था उनका। क्यों, किसने किया, क्यों किया? तुम्हारे बाबा एक कोठे पर जाते थे, शंकर बड़े कोठा। हाँ, माया भाटे नाम है उसका। उसने और उसके साथीदार ने तुम्हारे बाबा का मर्डर कर दिया था। सचिन का पिता नीलेश पाठक 21 जून 2009 को अपने साथ 1.5 लाख की कलेक्शन कर अपने घर लौटने से पहले माया के घर गया था। नीलेश को उस दिन कोई अंदाजा नहीं था कि वो फिर अपने घर कभी नहीं लौटेगा। दो जुलाई 2009। हाँ, इस केस फाइल के हिसाब से 2 जुलाई 2009 को यहां कातरज के जंगल में एक लाश मिली थी। शरीर पे कोई कपड़े नहीं थे, दूसरी कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं थी। उसके बाद उसे 7 दिन तक मुर्दा घर में रखा गया, पर कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच ही नहीं हो रही थी। उसके बाद 9 जुलाई 2009 को उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 3 साल पहले रिटायर्ड हुए। इस नीलेश की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, बस इसके खिलाफ पैसे लेकर फरार होने की शिकायत की गई थी। बाबा चोर नहीं थे, उनका मर्डर हुआ था उसी रात। कैसे? एक युवक की 9 साल की तलाश अपने पिता के लिए एक दर्द भरी असलियत के खुलासे से खत्म हुई। पुलिस का इंट्यूशन कहिए, अंदेशा कहिए, लेकिन उस पूजा घर को लेकर संदेह की वजह से पुलिस सचिन के पिता नीलेश पाठक की हकीकत जान पाई, और वो भी पूरे 9 साल के बाद। लेकिन इत्तफाक और आभास का यह सिलसिला अभी खत्म होने से काफी दूर था। गड़े मुर्दे और भी थे। नीलेश के मर्डर के वक्त जगदीश नाबालिग था, पर जुर्म में तो शामिल था। नीलेश का हमें बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना होगा, उसकी एज के साथ रिपोर्ट फाइल करनी होगी, कोर्ट को डिसाइड करने दो। और सर, वो कमरा? हाँ, वो कमरा सर अभी भी लगता है कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है जिसका पता लगाना है। ये पुरुषोत्तम पूरी बात नहीं बोल रहा है, और
तुम लोगों को तो वहां कोई लाश नहीं मिली। लेकिन सर माया को जो इतना डर लगा रहता है, क्या वो डर सिर्फ एक अजनबी को लेकर या सिर्फ एक ग्राहक को लेकर हो सकता है? प्रशांत भट्ट, उसका पति, जो कभी घर लौटा ही नहीं। मुझे मेरे भाई जगदीश से मिलना है। तू था कहां इतने दिन? तेरा फोन ही बंद था। है कहां वो? आई ने किसी को मार डाला था, आपको इतने साल से मालूम था? मेरे सामने हुआ था योगेश। अब ये नहीं कहना कि तुम्हें नहीं मालूम कि बाबा कहां है। दादा, अरे अब तो सच बोल दो, 12 साल हो गए, 12 साल। दादा, दादा, इत्तेफाक से हुए माया के घर पर उस एक छापे ने कई अधूरी कहानियों की कड़ियां सामने लाकर रख दी थी। वो कड़ियां जो तलवार बनकर दो युवकों की जिंदगियों पर लटकती रही।